डीकेटी स्टेट पीसीएस। अगर आप केवल स्टेट पीसीएस के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए डीकेटी स्टेट पीसीएस। यहां आपको राज्यों की लोक सेवा आयोग से जुड़ी परीक्षाओं के टॉपर्स के वीडियो अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मेरा नाम आशुतोष है, 68 बीपीएससी में इस बार मेरा 11वां रैंक है। मैं रहने वाला हूँ सीतामढ़ी जिले से, जानीपुर गांव का निवासी हूँ मैं। मेरी पढ़ाई 10th और 12th यहीं डीएवी पब्लिक स्कूल बीएससीबी कॉलोनी पटना से हुई है। उसके बाद मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर से 2020 में। उसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। 67th बीपीएससी में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था 4 नंबर से, और यह मेरा दूसरा प्रयास है और इस बार 11वीं रैंक आई है। मैंने सारी तैयारी खुद से घर से ही की है, पटना से ही की है। 2020 से लेकर आज तक मैंने किसी कोचिंग से कोई मदद नहीं ली। हाँ, मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक लिया था 2-3 कोचिंग से, मैं जिसका जिक्र बाद में करूँगा। और मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी यूपीएससी, क्योंकि मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में, तो मैंने प्रीलिम्स और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लगाई थी विजन आईएएस की, पहले 1 साल पहले। बीपीएससी के लिए अलग से मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया था। शुरू करते हैं प्रीलिम्स से। ये 3 फेज का एग्जाम है, प्रीलिम्स होता है, मेंस है, फिर इंटरव्यू है। प्रीलिम्स में बुक लिस्ट की अगर बात करें, सबसे पहले मैं बुक लिस्ट की बात करता हूँ, तो जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है मैंने वो फाइनलाइज किया पहले कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि बुक्स बहुत अवेलेबल हैं मार्केट में और आपको कोई एक बुक उठाना है हर सब्जेक्ट का या 1 से 2 मैक्सिमम, और उसको थॉरली कवर करना है। ये नहीं कि आप फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आप बाज़ार में जो भी अवेलेबल है आप ले आ रहे हो और फिर आप कर नहीं रहे हो। ऐसा पढ़ो कि आप क्वेश्चन उस बुक से छूटने नहीं चाहिए जो आप कवर कर रहे हो। तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स मैंने फाइनलाइज किए और उसके मैं आपको नाम बता सकता हूँ। पॉलिटी के लिए जैसे सब पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत था, हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया में मैं बोलूँगा तो स्पेक्ट्रम था, एंशियंट और मिडिवल के लिए एनसीईआरटीज थे, ओल्ड एनसीईआरटीज मैंने रेफर किए थे, और ज्योग्राफी के लिए मैंने 4 बुक आती हैं एनसीईआरटी के 11th 12th के, वो मैंने थॉरली पढ़ा था उसको। इकोनॉमिक्स की अगर बात करूँ तो इकोनॉमिक्स मैंने मल्टीपल सोर्सेज से रेफर किया था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है तो इकोनॉमिक्स समझने में थोड़ी दिक्कत होती थी जो काफ़ी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को होती है। तो मैंने उसके लिए श्रीराम आईएएस का एक पीडीएफ है फ्री में जो मिलता है ऑनलाइन, वो रेफर किया था। और बेसिक जो मैंने रखा था वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है 12th 11th की एनसीईआरटी, वो रेफर किया था मैंने। एनवायरमेंट की बात करें तो शंकर आईएएस की एक बुक आती है वो रेफर किया था। और करेंट अफेयर्स पे आता हूँ। करेंट अफेयर्स प्रीलिम्स के लिए क्योंकि ये एक बहुत डायनेमिक चीज़ है और प्रीलिम्स का करेंट अफेयर थोड़ा फैक्ट बेस्ड भी होता है, और जैसा कि 68 से पैटर्न चेंज हुआ है प्रीलिम्स मेंस दोनों का, तो क्वेश्चंस काफ़ी एलिमिनेशन बेस्ड भी आ रहे हैं, तो आपको डिटेल में उसका डिटेल आपको पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। तो क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं विजन आईएएस का मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉलो करता था थॉरली और सेलेक्टिवली करता था। तो ये आपको सेलेक्टिव कैसे करना है ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेफर करने पड़ेंगे कि आखिर ये डिमांड क्या है, एग्जाम का डिमांड क्या है, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं और कौन से टॉपिक पे हमें ध्यान देना चाहिए। और न्यूज़पेपर तो मस्ट है, उसका प्रीरिक्विजिट है, वो आप डेली आपको पढ़ना है। मैंने भी रेफर किया था द हिंदू, मैं करता था, कोई एक न्यूज़पेपर आप रेफर करो। द हिंदू सब कुछ कवर करता है। आप अब मैं बिहार स्पेशल की बात करूं अगर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बुक लिस्ट में, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी आपको एडिशन करना है तो एक बिहार समग्र की बुक आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था तो इंग्लिश मैंने रेफर किया था। उसको सेलेक्टिवली पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर। ज्योग्राफी उसका बहुत अच्छा है, उसके मैंने खुद से शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। हिस्ट्री उसका सही है, अच्छा है। पॉलिटी की ज़रूरत नहीं है, बिहार के पॉलिटी के क्वेश्चन आते नहीं है ज़्यादा बिहार स्पेसिफिक, तो ये बिहार के लिए था। तो प्रीलिम्स में आपको टेस्ट सीरीज की अगर बात करूँ तो मैंने जैसा बोला मैंने नहीं लगाए थे, लेकिन आपको अगर लग रहा है क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, समय काफ़ी कम होता है, तो अब तो निगेटिव मार्किंग भी है हमारे समय से 68 से, तो अगर आपको लग रहा है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि आपकी गलती आपका एक्यूरेसी कम है, तो आप बार बार टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो टेस्ट सीरीज देते हैं बीपीएससी के भी, वो आप रेफर कर सकते हो।
मार्केट में भी अवेलेबल है, जैसे जेरोक्स दिल्ली में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, वो आपको, जैसे मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, घर से ही करता हूँ, तो कुछ अगर ज़रूरत पड़े तो दिल्ली के कुछ जेरोक्स शॉप्स हैं, उनको कॉल करता हूँ कि टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो पहुँचा देते हैं घर तक। 67th प्रीलिम्स में मेरा 109 आया था, 113 कट ऑफ गया था। तो मैंने क्या गलती की थी, गलती के बारे में बोलूँ तो दो एस्पेक्ट होते हैं प्रीलिम्स में, एक स्टैटिक होता है, करंट अफेयर होता है। तो करंट अफेयर बहुत डायनेमिक है, उसको कोई एकदम कंठस्थ नहीं कर सकता है, वो आपको पढ़ते पढ़ते ब्रशअप करते करते ही आएगा। तो आप अपना स्टैटिक इतना अच्छा कर लीजिए कि आप करंट के भरोसे ना रहिए, क्योंकि मेरा करंट थोड़ा मैं मात खा गया था पिछले बार 67th में। तो आप स्टैटिक मैंने इस बार इतना अच्छा कर लिया था कि करंट से कोई इशू नहीं हुआ था। तो आप करंट और स्टैटिक दोनों पे फोकस कीजिए, और स्टैटिक क्योंकि सब बना रहे हैं, वो क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक सब पढ़ रहे हैं, तो वो गलत नहीं होना चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स अच्छे से निकलेगा, और प्रीलिम्स निकलेगा तभी मेंस होगा। तो प्रीलिम्स एक रिजेक्शन का गेम है, जिसमें आपको किसी तरह प्रीलिम्स निकालना है ताकि अपनी कैपेबिलिटी दिखा सके मेंस एग्जाम के लिए। मेंस इसका तीन पेपर होते हैं इस बार, 68 से एसए भी आया है, GS1, GS2 और एसए। GS1 के क्वेश्चंस में तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है हिस्ट्री का, दूसरा पार्ट होता है करंट अफेयर्स का, और तीसरा पार्ट होता है इसका डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक्स बोल सकते हैं उसको। तो मैं पहले GS1 की बात करूँगा। GS1 पेपर में डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो प्रॉपर मैथ्स है, वो अगर आप कंप्लीटली सही बना रहे हो तो आपका मार्क्स काफ़ी अच्छा आ सकता है, फुल मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि वो मैथ्स है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो प्रीलिम्स हो जाए और मेंस के बीच का जो समय बचता है, तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हुए सारे क्वेश्चंस दो तीन साल के, चार साल के, वो बैठ के मैंने बना लिया टाइम बाउंड तरीके से, कि कितने देर में आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस होते हैं पाई चार्ट पे, बार चार्ट पे, तो उसको आप रेफर कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसको आप बना जाइए। एक्यूरेसी अपनी चेक कीजिए, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, और दूसरी बात कि आपका वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डेटा गलत लिख रहे हो, कोई डेटा गलत आपने उतार लिया क्वेश्चन पेपर से, तो फिर कैलकुलेटर भी आपको नहीं बचा सकता। तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और तब आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो जब तक आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, तब तक आप कम से कम अपना डेटा इंटरप्रिटेशन को आप मजबूत बना सकते हो। करेंट अफेयर्स की बात करूँ, करेंट अफेयर्स 68th पैटर्न जब से चेंज हुआ है काफ़ी डायनेमिक आ रहे हैं। पहले था कि आप कुछ क्वेश्चंस जैसे इंडेक्सेस थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उन पे ही क्वेश्चन आते थे, अब डायनेमिक हो रहा है, एक क्वेश्चन में कई पार्ट आ रहे हैं UPSC के पैटर्न के ऊपर, उसी बेसिस पे आ रहे हैं। जैसे हमारे समय G20 आया था, इंडिया का उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चंस थे। इस बार भी 69th में मैंने देखा है कि क्वेश्चंस आए हैं G20। तो काफ़ी जो करंट इश्यूज हैं, जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो आप, क्योंकि आप करंट अफेयर के मैगजीन कवर कर रहे हो, तो आपको ये एक माइंड में रहता है कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियस माइंड में, कि आप उस पर कुछ लिख सको। तो G20 जैसे हो गया, या कोई इंडेक्स आया जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आया, तो उस पर आपके पास डेटा तैयार होना चाहिए। करंट में कुछ टॉपिक हैं जो मैं बता सकता हूँ मोटा मोटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे फ्रीडम रिपोर्ट्स, फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम, हंगर इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये इंडेक्स पे आप कुछ अपने 4-10 पन्ने में नोट्स बना जाइए, जो आपको मेंस से पहले रिवाइज करने में आसानी हो, क्योंकि मेंस के लिए हो सकता है आपको एक ही दिन मिले, या फिर सेम डे भी पेपर होता है, क्योंकि हमारे समय तो एक ही दिन बाद पेपर था, इस तरह से था। तो आप रिवाइज कर सकते हैं, कंसाइज मटेरियल आपके पास अगर होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे ब्रिक्स हुआ, WTO हुआ, बिम्स्टेक हुआ, G20 हुआ, G7 हुआ, ये मीटिंग कहाँ हुई, इसका क्या 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 मेन टॉपिक्स था, मुद्दे क्या थे, कौन से नए ट्रीटी साइन हुए, इस तरह के क्वेश्चंस, और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस, जैसे इंडिया के संबंध बाकी के पड़ोसी देशों से, जैसे कोई वार हुआ तो उससे इंडिया पे क्या रिलेशन रिलेट करके क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया के रिलेशन पे, इंटरनेशनल रिलेशन पे, इंडिया का रशिया के साथ क्या रिलेशन है, इंडिया का US के साथ क्या रिलेशन, ट्रेड के बारे में हमसे क्वेश्चन किया गया था 68 BPSC मेंस में, तो इंडिया का ट्रेड रिलेशन कैसा है, कितने कंट्रीज से है, किस तरह का है, तो इंटरनेशनल रिलेशन कुछ खास देशों के साथ जो इंडिया के संबंध है, उस पर आप एक टॉपिक
कुछ पन्नों में तैयार करके रख सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं क्राइसिस इन वर्ल्ड इन इंडिया। जैसे मैंने बोला कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है, तो इसराइल, जैसे इसराइल हमास वॉर है, तो इसको पे आप एक तैयार कर सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की बात की, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, वो भी मैं बता सकता हूँ। डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे पहले आप डेटा को एक टेबल के फॉर्म में अपने आंसर शीट में पहले बना लीजिए, और उससे जितने भी रिलेटेड कैलकुलेशन है उसी के सामने कीजिए। जैसे टेबल बनाया, उसके सामने उसके सारे डेटा लिखे, उसके रिलेटेड जितने परसेंटेज हैं कुछ हैं वो राइट साइड में ही फिर से टेबल में ही ऐड कर दिया। टेबल नहीं बनाइएगा तो क्या होगा, डायरेक्टली आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको बार बार क्वेश्चन पेपर रेफर करना पड़ेगा, जो काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, बार बार पन्ने उलट के देखना। और दूसरी बात, की गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ह्यूमन एरर, हम तो हैं ह्यूमन तो एरर तो हो सकता है। तो इसीलिए आप डायरेक्टली आप उसको नोट कर लीजिए और वहीं पे कैलकुलेशन कीजिए और वहीं से आंसर शुरू कीजिए। एक टेबल ज़रूर बना लीजिए किसी भी डेटा पर। पहले पार्ट की बात करें, हिस्ट्री है, तो बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और इंडिया से भी आ सकते हैं। तो इसमें काम क्या आता है, काम आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको आप रेफर कीजिए, और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको कम से कम तैयार कर लीजिए, कि जो पूछे जाएँ तो आपके वो गलत ना हो, क्योंकि उन पर सब तैयार कर रहे हैं नोट्स। जैसे कुंवर सिंह जी पे क्या उनका योगदान क्या था 1857 वॉर में, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आप तैयार कर लीजिए। तो कुछ टॉपिक्स मैं बताना चाहूँगा, जैसे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चंस, फ्रीडम स्ट्रगल से अगर मैं बात करूँ तो चंपारण सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, वर्किंग क्लास मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन तरह के क्वेश्चन है। 1857 के बारे में बात करूँ तो कुंवर सिंह, जैसे मैंने बोला कुंवर सिंह का रोल क्या रहा है 1857 वॉर में, बिहार का क्या रोल रहा है 1857 वॉर में। ट्राइबल रिवोल्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री में, GS1 में, संथाल पे, बिरसा मुंडा पे, खासकर जो बिहार से रिलेटेड ट्राइबल रिवोल्ट्स रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है GS1 में, 68 BPSC में भी क्वेश्चंस आए थे आर्ट एंड कल्चर पे। तो तीन टॉपिक्स हैं मेन, पाला आर्ट, पटना कलम एंड मौर्यन। मैंने भी एक नोट्स बना रखा है, तो इस पे अगर आपके पास एक टॉपिक होगा तो आपके पास नोट्स होंगे तो आप एग्जाम में उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैं पेपर टू पे जाना चाहूँगा। पेपर टू बेसिकली GS का पेपर है, उसमें भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है पॉलिटिक्स का, पॉलिटी का, दूसरा पार्ट होता है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, तीसरा पार्ट होता है साइंस एंड टेक का। तो मैं तीसरे पार्ट से शुरू करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी डायनेमिक है और वो करेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, वो डायरेक्टली आपको स्टैटिक साइंस नहीं पूछते हैं। तो साइंस में जैसे कुछ टॉपिक्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर, क्योंकि पढ़ाई का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर करना पड़ेगा। तो आप करेंट क्योंकि कवर कर रहे हो, तो साइंस तो ऐसे ही आपका कवर हो रहा है, साथ में साइंस टेक का एक अलग से कॉलम होता है विजन IAS के मंथली वाले मैगजीन में। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी लाइमलाइट में रहते हैं, जैसे इसरो हुआ, इस बार भी क्वेश्चंस आए थे चंद्रयान 3 पे, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, ये सब सारे जो इंडिजिनस हमारे इंडिया के टेक्नोलॉजीज हैं उन पर आप एक नोट्स बना के रख लीजिए, ताकि आप इनको रिप्रोड्यूस कर पाएं एग्जाम में। तो साइंस टेक काफ़ी डायनेमिक है, वो आपको कुछ मटेरियल आपको तैयार रखना पड़ेगा और कुछ आप वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड आंसर लिख सकते हैं। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी की बात करूँ, इंटीग्रेटेड मैनर में क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि ज्योग्राफी आपको इंडिया का ज्योग्राफी पूछ रहा है या फिर इकोनॉमिक्स के अलग से क्वेश्चंस हैं, नहीं, वो इंटीग्रेटेड मैनर्स पे होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर से इकोनॉमी को रिलेट कर दिया गया, या फिर पॉवर्टी से इकोनॉमी को रिलेट कर दिया गया, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी से रिलेट कर दिया गया और ज्योग्राफी से रिलेट कर दिया गया, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे बिहार में अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव है तो प्रपोजल अगर रखना है तो कहाँ रख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो इकोनॉमी में बिहार के डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है उन पर ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि 69th में मैंने सुना है कि प्रॉपर ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप नया क्या आएगा इसके बारे में तो आप नहीं जानते हैं, एटलीस्ट जो आ चुका है, जो आ रहा है, पैटर्न है, उस पर आप एक तैयार कर सकते हैं या उसी हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो हमने तो इंटीग्रेटेड मैनर में ही तैयारी की थी। कुछ टॉपिक्स है जो मैं बता सकता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए।
सबसे पहले तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट बिहार का, इंडिया का भी पढ़ लीजिए लेकिन बिहार का खासकर अच्छे से पढ़िए। जितने भी नए स्कीम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं या फिर जितना जितने का बजट जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, सेकेंडली किस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा है, हेल्थ और एजुकेशन पे कितना बजट का परसेंटेज एक्सपेंड हो रहा है, तो इस तरह के डेटा आपके पास हैंडी होने चाहिए, तभी आपका आंसर्स क्रेडिबल लगेगा। आंसर राइटिंग के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपके पास कुछ स्टैट्स रहना चाहिए कि आपके आंसर्स एक नॉर्मल इंसान जैसे नहीं लगे, अलग लगे, क्योंकि आपके पास जो आंसर एग्जामिनर के पास जा रहा है वही उनका आपका प्रतिबिंब है, आप खुद नहीं जाते हो, उनके पास आपका आंसर जाता है, तो वो आंसर से ही आपको जज करते हैं, आपने कितने साल मेहनत की है उस पर जज नहीं करते। तो आपके पास एक डेटा होगा तो आंसर क्रेडिबल लगेगा, लॉजिकल लगेगा और सही लगेगा, तो मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि उसमें एक एज होता है, अगर दो नंबर भी ज़्यादा आ रहे हैं पर क्वेश्चंस तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और क्योंकि क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, मैंने ये पैटर्न की बात नहीं की, 38-38 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, तीन तीन क्वेश्चंस लिखने होते हैं हर सेक्शन में, जो भी जी एस वन मैंने बात किया, जी एस टू भी बात कर रहा हूँ, तो 38-38-38 तीन क्वेश्चंस होते हैं दोनों पेपर में। और अब तो हमारे समय से पैटर्न चेंज हुआ है, तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, वही 38 का ही एक कंपलसरी क्वेश्चंस होता है हर सेक्शन में, और जिसमें कि 4-5 पार्ट होते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करें। तो डेटा आपको हैंडी रखना है सर्वे और बजट से। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टॉपिक है जिसपे क्वेश्चंस आते रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, जॉब क्रिएशन कहाँ हो सकता है, सरकार कहाँ कर रही है, स्कीम्स क्या है बिहार गवर्नमेंट के, बिहार गवर्नमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बीपीएससी दे रहे हो तो बिहार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर है, WTO हुआ, बिहार टेक्नोलॉजी हुआ, बिहार में कौन से नए टेक्नोलॉजी है, जैसे रबर डैम बना था तो उसका क्या योगदान है, उससे क्या फ़ायदे हैं। पॉवर्टी पे क्वेश्चंस मैंने जैसे बताया, इंडस्ट्रीज पे, MSME, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। पॉलिटी की बात करता हूँ, पॉलिटी जो पहला सेक्शन है GS2 में, पॉलिटी में कुछ टॉपिक्स हैं जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत अगर पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स काफ़ी जनरल आते हैं, लेकिन आपको एक एनालिटिकल माइंड से उस आंसर को लिखना है, डिमांड समझना है तब लिखना है। कुछ टॉपिक्स हैं फिर भी आप नोट्स उन पर बना सकते हो, या फिर आप तैयारी करो तो आपके पास ये ऑलरेडी मटेरियल होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, गवर्नर हुआ, फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुए, DPSPs हुए, बेसिक स्ट्रक्चर हुआ, तो इन सब पे आपका एक मटेरियल तैयार होना चाहिए। थर्ड है इससे हमारे समय ही इंट्रोड्यूस हुआ है, फर्स्ट है इससे, एक ऐसा चीज़ है जो बहुत एनालिसिस से, ऐसे के लिए तीन चीज़ चाहिए मैं बोलूँगा, कंटेंट चाहिए आपके पास, तो कंटेंट कहाँ से आता है, तो कंटेंट आपके GS के पेपर से ही आता है। उसमें आप एडिशन क्या कर सकते हो, तो उस एडिशन में आप कर सकते हो कि आप डेटा डाल सकते हो, फिर से वही बात, आप कुछ अच्छे डायग्राम बना सकते हो, ऐसे में ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप अगर कहीं भी ज़रूरत लगे तो आप बना सकते हो, तो ये हुई कंटेंट की बात। दूसरी बात है स्पीड होना चाहिए, तीन ऐसे लिखने होते हैं, तीन सेक्शन होते हैं, 4-4 ऐसे होते हैं, उनमें से एक एक लिखना होता है और 3 घंटे के अंदर लिखना होता है, तो एक ऐसे में आप 1 घंटे लगा सकते हो। तीसरा, पहला तो हमारे समय फिलोसफिकल ऐसे था, दूसरा नॉर्मल ऐसे था, तीसरा बेस था मुहावरे और लोकोक्ति पे। तो तैयारी आप कैसे करें, तो कंटेंट बनाएं आप अपना पूरा, तो GS जैसे मैंने बोला उससे कंटेंट बनेगा। मुहावरे और लोकोक्ति के लिए कंटेंट कहीं है नहीं, मुझे लगता है अभी भी नहीं, हमारे समय भी नहीं था, तो कंटेंट उसका यही है कि अगर आप जानते हो कहावत तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो आप किसी से पूछें, जैसे मैंने अपने मम्मी पापा से पूछा था, नोट्स नहीं बनाए थे उसके, लेकिन एक आइडिया ले लिया था। और दूसरी बात कि जो भी आते हैं मुहावरे या कहावत, वो ज़्यादातर सारे भाषा में होते हैं, जैसे एक मगही में होगा तो एक मैथिली में होगा, एक भोजपुरी में होगा, तो कोई ना कोई आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एकदम ही से आपको आइडिया नहीं होगा, हो जाएगा। उस पर कंटेंट बनाना कठिन है, क्योंकि एक बहुत ही जनरल टॉपिक होता है वो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वही एक पैटर्न है, आप उसको एक डायनेमिक वे में लिखें, बहुत सारे एंगल से लिखें, तभी वो जाकर एक सही ऐसे लगेगा। और इससे में क्या करना है, तो इससे में एक फ्लो होना चाहिए, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन तो सब लिखते हैं, 10-12 पन्ने के एक एक ऐसे होते हैं, तो पहले आप 10 मिनट बैठकर सोच लें और जॉट डाउन कर लें पॉइंट्स रफ में, कि आप उस टॉपिक पे क्या क्या आपके माइंड में है, आप
उससे क्या रिलेट कर सकते हो, क्या क्या आपके माइंड में भी आ रहा है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, उससे रिलेटेड कोई कल्चरल पर्सपेक्टिव है, विमेन से कोई रिलेशन है, पॉवर्टी से कोई रिलेशन है, तो आप सारा जॉट डाउन कर लो, इंट्रो दो, बढ़िया इंट्रो दो, अच्छा दो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बढ़िया इंट्रो दो, बॉडी शुरू करो, पैरा में लिखो, पॉइंट्स में तो कोई लिखते भी नहीं हो, लिखना भी नहीं चाहिए, पैरा में लिखें, एक रिलेशन होना चाहिए एक पैरे को दूसरे पैरे से, ये नहीं लगना चाहिए कि दूसरे पैरे को पहले से कोई रिलेशन ही नहीं, एक फ्लो होना चाहिए एस्से में, एक पढ़ने में लगे कि एस्से में एक एक तरफ एस्से जा रहा है, और हमेशा पॉजिटिव एंड पे उसको कंक्लूड करें, क्योंकि नेगेटिव एंड कोई भी चीज़ का वो अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है, तो हमेशा एक पॉजिटिव एंड पे उसको, पॉजिटिव नोट पे एंड करें, तो इससे आपका हाँ डायनेमिक रखें, काफ़ी डायनेमिक रखें, और कुछ लोग एनेक्डोट से भी शुरू करते हैं, छोटी सी स्टोरी से कोई इससे शुरू कर दिया, जैसे रमा इस विलेज में एक लड़की थी जो स्कूल पढ़ने जाती, इस तरह से भी आप शुरू कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आंसर राइटिंग में फिर इसकी जिक्र करूंगा कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग पे आते हैं, आंसर राइटिंग स्किल, तो सबसे पहले आंसर राइटिंग के लिए है तीन चीज़ें, कंटेंट है, स्पीड है, और आप किस तरह से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, आप खुद नहीं जाते हो, आपकी मेहनत नहीं जाती है, आपका कॉपी जाता है एग्जामिनर के पास, तो उसमें आपका आंसर अच्छा दिखना चाहिए, सबसे अलग दिखना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेंगे। तो कंटेंट तो आपका जीएस पढ़ रहे हो उससे आ जाएगा, स्पीड आपको लिखते लिखते आएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ डेली लिखिए, लेकिन आप लिखिए, कुछ ना कुछ लिखिए शुरुआत में, और किसी से अगर आप चेक करा सकते हैं, क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इनसाइट्स आईएस हो गए, या फिर बहुत सारे फोरम्स हैं जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं डेली, उनके बेसिस पे आप लिखिए कुछ ना कुछ, कुछ प्लेटफॉर्म्स उसको जमा भी करवाते हैं चेक करने के लिए, पीयर रिव्यू भी करवाते हैं, मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, परमिट कर रहा है, तो उसको कीजिए। और सबसे बड़े जज आप खुद होते हो, आपको पता होता है आपका आंसर आज कैसा लग रहा है, और ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आंसर लिखना शुरू करेंगे, ये कभी नहीं होता है। जो भी आपके पास कंटेंट है उसको लिखिए, जज कीजिए और उसको बेहतर बनाते जाइए। आंसर राइटिंग के लिए जैसा मैंने बोला, तीसरा प्रेजेंटेशन स्किल है, वो आप किसी टॉपर की कॉपी देख सकते हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, उनको देखकर सीखिए कि आखिर वो लिखते कैसे हैं, अपना कुछ एडिशन कीजिए, जैसे मैंने जिक्र किया डेटा का क्रेडिबल बनाने के लिए, जैसे मैंने बोला विमेन एम्पावरमेंट पे क्वेश्चन आया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि बिहार गवर्नमेंट में इतना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है, इसके कारण बिहार पुलिस में 25% महिलाएं हैं, इस तरह से आपको आंसर्स को क्रेडिबल बनाना पड़ेगा। तो आप आंसर्स में डेटा डालिए, स्टैट्स डालिए, और कहीं भी जरूरत पड़े तो फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि आंसर को आपको अलग लगाना है। अब मैं बात करूंगा इंटरव्यू के बारे में। इंटरव्यू एक लास्ट स्टेज है जहाँ पे लोग काफ़ी अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं, क्योंकि जब प्री निकला, मेंस निकला, तो उस विशियस साइकिल में नहीं फंसना चाहते लोग कि फिर से प्री देना पड़े, एक बार में तीनों निकले, उसके लिए लास्ट एफर्ट सारे लोग लगाते हैं, तो मैंने भी लगाया था। मैंने तीन कोचिंग में दिए थे मॉक, पटना में दो और दिल्ली में एक जाकर दिया था, पटना में चाणक्य और चहल में दिया था, और दिल्ली में दृष्टि आईएएस में मैंने मॉक दिया था इंटरव्यू। और मॉक से फ़ायदा ये होता है कि आप अपने आप को जज करने के लिए किसी के सामने बैठते हो, नॉलेज तो आपके पास है, आपने मेंस क्लियर किया, नॉलेज आपके पास है, इंटरव्यू में दूसरे आपको बताते हैं बैठने का लहजा, बोलने का तरीका, अगर कोई दिक्कत है तो। समय तो काफ़ी कम होता है, सब कुछ नहीं सुधार सकता आदमी, लेकिन जितना कोशिश हो सकती है वो करता है वो कि सही हो जाए, जितना उनका एटीट्यूड है। और इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात है कि आपको पर्सनैलिटी आपका जज होता है, आपका नॉलेज ज़्यादा जज नहीं होता, आप कितने सच्चाई से बोल रहे हो, आपका ऑरा कैसा है, मतलब आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो किसी चीज़ को, यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, आप किसी चीज़ को घुमा घुमा कर नहीं बोल रहे हो, पता नहीं है तो आप सीधा इनकार कर दीजिए कि सर मुझे जानकारी नहीं है। और दूसरी बात कि यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन होती है बीपीएससी में स्टूडेंट्स को कि लैंग्वेज क्या हो, तो इंटरव्यू में क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था, इंटरव्यू में लैंग्वेज चूज करने को कहा नहीं जाता, ये एक तरह से बाइलिंगुअल होता है, जो जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में आंसर देना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैंने हिंदी बोलने की प्रैक्टिस की थी। तो आपको दोनों में सहज होना होगा, और भाषा का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, वो हो जाता है अपने आप, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा आपको, और करेंट उसके लिए आपको अपना अपडेट रखना होगा। देखिए इंटरव्यू आपका मेनली 5 से 6 डायरेक्शंस में जाता है, आपके बारे में,
आपके जिले के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, और जो भी कॉलेज आपने पढ़ा, मेनली डेफ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ डेफ तो नहीं होता, प्रपत्र होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा आप पूछ सकते हैं वो करेंट के बारे में। तीसरा चीज वो पूछ सकते हैं कि ओपिनियन आपका क्या है इंटरनेशनल इश्यूज पे। तो इस तरह से आप 5-6 बना लीजिए कि इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी बेसिस पे आप पढ़िए, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेसिस पे। ऑप्शनल आपका जो है उस पे आपको तो पूरा कमांड होना चाहिए, भले ही अब क्वालिफाइंग हो गया है तो फिर भी आपको कमांड होना चाहिए। हाँ, मैंने ऑप्शनल के बारे में जिक्र नहीं किया, ऑप्शनल सोशियोलॉजी था मेरा। ऑप्शनल अब 68 से क्वालिफाइंग हो गया, उसकी जगह इससे आया है। क्वालिफाइंग नेचर है, फिर भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आते हैं। और हमने कभी, जैसे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो कभी एमसीक्यू का मुझे प्रैक्टिस था नहीं, तो उसके लिए हमारे समय कोई बुक्स भी अवेलेबल नहीं थे, तो मेरे पास जो भी बेसिक नोट्स थे उसको मैंने डिवाइस किया, और शायद 40% लाना होता है तो वो हो गया था। और एक और पेपर होता है मेंस में, 5 पेपर होते हैं, हिंदी पेपर होता है, तो हिंदी में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि एवरेज स्टूडेंट को, काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, लेकिन एक निबंध आप ज़रूर लिख कर देखें, एक समरी लिख कर देखें, और व्याकरण में जो परिभाषा है जैसे संज्ञा सर्वनाम, इन सब पे आप एक बार रिविजन ज़रूर कर लें, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है हमें हिंदी को छोड़े हुए। यही है। और साइंस जो छूट रहा है, मुझे याद आ रहा है साइंस का मैंने नहीं बताया, जो प्रिलिम्स में आता है, तो साइंस के लिए मैंने, क्योंकि स्टैटिक होता है काफ़ी साइंस बीपीएससी का, तो मैंने ल्यूसेंट का एक बुक आती है वो कवर किया था साइंस के लिए, कि सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं, साइंस के लिए वो काफ़ी हेल्प किया था, क्योंकि एक कंसाइज मटेरियल मिल जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साथ में ही। तो यही है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि ऑनलाइन चैनल्स जो होते, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयारी की है, तो जब मैंने शुरुआत की, तो जैसे मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैंने इस तरह से बहुत सारे टॉपर्स के वीडियो देखे थे, और उनमें से कॉमन ढूंढना था कि कॉमन क्या है सब में, तब मैंने शुरुआत किया था कि ये बुक लिस्ट है जो सब टॉपर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे ही फाइनलाइज करता हूँ। तो इस तरह से मदद मिलती है वीडियोस से। तो मैंने दिल्ली नॉलेज ट्रैक से भी देखा था बहुत सारे वीडियोस यूपीएससी जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी मैं यूपीएससी दे रहा हूँ। तो मैं लास्ट में चैनल का धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मदद मिलेगी बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के लिए। धन्यवाद।